नमस्कार दोस्तों, आज दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि इंटरव्यू के दौरान जब एंजाइटी होती है तो क्या करना चाहिए, कैसे उस एंजाइटी को कम करें, एक चीज। दूसरा सवाल यह है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और इसमें यह है कि वो लड़की है, एक लड़की है, वो ये कहती हैं कि उनका जो प्रेमी है वो 3 4 महीने पहले, मतलब उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो रोते हुए नहीं देख सकता था। वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालता था कि महसूस इम्पॉर्टेंट महसूस करवाने में, लेकिन अब वो एफर्ट नहीं डालता है। रीजन क्या है? रीजन बहुत साफ है, क्योंकि अब उसका दिल भर चुका है, क्योंकि उसको उस लड़की से वो नहीं मिला वो जो चाहता था। ऑब्वियसली सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिला। अब लड़कों को, मोस्टली लड़के, अगर जो भी इसी चीज के लिए लड़की के पीछे जाते हैं, उनको वो चीज मिल जाती है तो मिलने के बाद छोड़ देते हैं, और नहीं मिलती तो भी छोड़ देते हैं। उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत सेट होता है, और मैं ये नहीं कहता सारे लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आपको पहचान परख है कि नहीं है। शुरू में तो सारे मीठे होके मिलते हैं ना। हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, रिश्ता, रिलेशनशिप से पहले इंसान कैसा है और रिलेशनशिप के बाद में इंसान कैसा है। ये बदलते हैं लोग, ये दो बातों का ध्यान रखना है, रिश्ते से पहले आदमी कैसा है। और जरूरी नहीं है कि जैसे शुरुआत में मीठे इज्जत कर रहे हैं वही बाद में होंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो पहले एंग्जाइटी वाली बात कर लेते हैं। वो एंग्जाइटी, अगर इंटरव्यू में एंग्जाइटी है, देखो मैं आपको एक बार बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं किसी भी इंटरव्यू में गया हूँ ना, मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने लाइफ में इतनी सारी इंटरव्यूज दी हैं, मेरे को इंटरव्यू का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, और मैंने इतनी सारी इंटरव्यूज क्यों दी हैं, जस्ट बिकॉज टू गेट माई कॉन्फिडेंस। मुझे, मैं इंटरव्यूज देने जाता था, मुझे कोई जॉब नहीं करनी होती थी, बस मुझे ये होता था कि मुझे इंटरव्यू देनी है। सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, रिजेक्ट हो गए तो ये देखना है कि क्या रीजंस थे रिजेक्ट होने के। तो जो मेरे रीजंस, जो मैंने चीजें अपना सीखी हैं, तो मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज होती है कि आपको ना प्रेजेंटेबल दिखना आना चाहिए, मीन्स यू लुक गुड। क्लोथिंग जो आपकी हो वो कैजुअल ना हो, वो फॉर्मल हो, नंबर एक चीज। लोग गलती कर जाते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज है, आप जब जाते हो थोड़ा परफ्यूम वगैरह लगा के जाओ, दूसरे को अच्छी स्मेल आए आपसे, क्योंकि आंखों से आप देखते हो तो आप लुक्स वाइज अच्छे दिखने चाहिए। आप स्मेल करते हो तो आप परफ्यूम वगैरह लगा रखा हुआ तो आप में से एक अच्छी स्मेल आएगी। अब वो कान, अब जब वो आपको सुनते हैं तो थोड़ा आप सॉफ्टली बोल लें, ठीक है ना। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें होती हैं, एक तो ये चीज होगी। ऊपर से आप ना विजुअलाइज करो उस इंटरव्यू को जो आप दे रहे हो, और देखो कि वो इंसान क्या से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको सारे क्वेश्चंस, आप उस चीज को प्रिपरेशन करके जाओ। आप ढूंढो कि किस किस्म के इंटरव्यूज में किस किस्म के सवाल किए जाते हैं। डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप आज से 5 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, पैसा जरूरी है, प्यार जरूरी है, ये सारे, कितने पैसे चाहिए, तो ये सब चीजें होती हैं। आप इनका प्रॉपर आंसर दिमाग में बिठा के जाओ, और जब जाओ और पूरे कॉन्फिडेंट से, कुछ नहीं है, नॉर्मल बात करो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर देंगे, और बहुत बार रिजेक्शन होता है, नो इश्यूज। आप अगर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो डर लगेगा ही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दे दिया, रिजेक्ट हो गए तो काम खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां इंटरव्यू निकलता है वहां इंटरव्यू देने जाओ, चाहे तुम्हें जॉब नहीं भी करनी तो भी देने जाओ। मुझे तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का।